अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिविल सेल्स में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज में किस्त पर। त्यौहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे। एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वॉलफोल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिविल सेल्स बुगनिया रोड पुराना किला मोड़, संपर्क करें 0154-796-7334। सिवान में हिंदुस्तान के पत्रकार पर गोली चलाने मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। सिवान जिला के महाराजगंज में बीते दिनों दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के पत्रकार राजेश अनल को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। इस मामले में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू किया गया और कांड का उद्भेदन करते हुए पूर्व में भी पुलिस के द्वारा दो अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सिवान SP शैलेश कुमार सिन्हा ने फिर से प्रेस वार्ता कर बताया कि इस कांड के मुख्य अपराध कर्मी कंचन सिंह, जिसके पिता का नाम रामनाथ सिंह है, वो फरार चल रहा था, इसे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। कंचन सिंह ने स्वीकार किया है कि इन्होंने ही अपने दो अन्य अपराधियों के साथ, जो पूर्व में जेल भी जा चुका है, इनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है और इन्होंने ही पत्रकार राजेश अनल पर गोली चलाई थी। घटना के संबंध में इन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में इनके गिरोह के सदस्य अनीस उर्फ भोला, जिसके पिता का नाम अर्जुन शाह है, जो पुरानी बाजार महाराजगंज का निवासी है, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिस कांड में राजेश अनल भी अभियुक्त थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें निर्दोष करार दिया था। गिरफ्तार अपराधियों को विश्वास है कि राजेश अनल ने ही षड्यंत्र रचकर अनीस की हत्या कराई थी, उसी का बदला लेने के नियत से इन लोगों ने राजेश अनल की हत्या करने का प्रयास किया था। इस मामले में अपराध कर्मी कंचन सिंह के साथ एक अन्य अपराधी प्रमोद यादव एवं अभिषेक सिंह उर्फ छोटू की भी गिरफ्तारी की गई है तथा इन दोनों से पूछताछ के क्रम में यह स्वीकार किया गया कि 8 फरवरी को दरौंदा थाना क्षेत्र के मरसरा में 7,45,000 रुपए की लूट की घटना को इन लोगों ने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अंजाम दिया था और गोपालगंज जिला में भी दुकानदार पर इनके द्वारा गोली चलाई गई थी, जिस मामले में पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 जनवरी को देखिए, आपके पत्रकार है हिंदुस्तान के राजेश अनल, उनको गोली मार के उनको घायल किया गया था, उसमें महाराजगंज में कांड दर्ज हुआ था और उसका अनुसंधान भी हम लोग पुलिस कर रही थी। तो इसमें अनुसंधान के क्रम में दो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए थे, पहले जो मैंने प्रेस वार्ता करके आप लोगों को उसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन उस समय जो इसके मुख्य अभियुक्त थे कंचन सिंह, वे गिरफ्तार नहीं हुए थे, फरार चल रहे थे, तो पुलिस ने उनको भी कल कंचन सिंह को गिरफ्तार किया है और उनको गिरफ्तारी के बाद उन्होंने घटना पूरा स्वीकारा है और घटना का पूरा घटनाक्रम भी बताया है और घटना का कारण उन्होंने बताया है कि 2021 में अनीस उर्फ भोला की हत्या हुई थी महाराजगंज, जिसमें राजेश अनल भी प्राथमिकी अभियुक्त बने थे, लेकिन पुलिस ने बाद में अनुसंधान में उनको बरी कर दिया था, उन पर चार्जशीट नहीं हुआ था, लेकिन जो इनके गिरोह के सदस्य हैं कंचन सिंह, जिसके अनीस उर्फ भोला सदस्य हुआ करते थे, जिनकी हत्या हुई, उनका इन लोगों का अभी भी मानना है, इनके गिरोह के सदस्यों का, कि राजेश अनल ने ही षड्यंत्र करके अनीस की हत्या कराई थी, इसीलिए ये लोग तब से पीछे लगे थे और उस दिन इसी के कारण, उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने ऊपर अटेम्प्ट किया था, घटनाकारी किया। इनके पहले भी सर राजेश अनल पर हमला हुआ है, क्या लगता है वही कारण था? नहीं, वही कारण है, 2017 में उन चाकू लगी थी उनको, उसमें 4 लोग एक्यूज बने थे, जिस पर सब पर चार्जशीट हुआ था, उस चाकू वाले घटना में अनीस उर्फ भोला एक अभियुक्त था, जिसकी 2021 में हत्या हो गई, जब हत्या हुई तो राजेश अनल को इसमें अभियुक्त बनाया गया, राजेश अनल को पुलिस ने निर्दोष साबित किया, लेकिन इन लोगों के मन में था कि राजेश अनल ने ही हत्या कराई है 2017 की घटना को लेके, इसीलिए इन लोगों ने यह अटेम्प्ट लिया और गोली चलाई, जिसमें राजेश अनल सुरक्षित बचे। इस प्रकार इस घटना में जो तीनों अपराधकर्मी थे, जो पत्रकार वाले घटना में, तीनों अभी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे गए, इनके पास से आर्म्स भी बरामद हुआ। इसी क्रम में कल कंचन सिंह को जब गिरफ्तार किया गया तो इनके साथ 2 लोग और गिरफ्तार हुए, एक है प्रमोद यादव और अभिषेक सिंह,
इनके पास से भी, प्रमोद यादव के पास से भी आर्म्स बरामद हुए, गोली बरामद हुई, और अभिषेक सिंह के पास से और पैसा भी बरामद हुआ जो आपके सामने डिस्प्ले है। इन लोगों ने पूछताछ के क्रम में अपनी घटना तो पत्रकार वाली तो पूरी स्वीकार ही, इसके अलावा इन लोगों ने बताया कि 6 तारीख को दरौंदा थाना क्षेत्र में 7,95,45,000 रुपये की लूट हुई थी जिसका पुलिस अनुसंधान कर रही थी। उसमें भी इन लोगों ने स्वीकार किया कि इन लोगों ने ही उसकी लूट की थी अपने अन्य साथियों के साथ मिल के, तो उस घटना का भी उद्भेदन हो गया। और उसके अलावा इन लोगों ने स्वीकार किया कि हाल ही में गोपालगंज में एक दुकानदार को गोली मारी गई थी, उसमें भी अब कंचन सिंह ही इन्वॉल्व था। तो इस प्रकार एक बहुत ही गंभीर अपराधकर्मी कंचन सिंह की गिरफ्तारी हुई। इनका पूरा विस्तृत आपराधिक इतिहास है जिसका मैंने आपके प्रेस नोट में भी जिक्र कर दिया है। तो ये दोनों कंचन सिंह और प्रमोद यादव दोनों का आपराधिक इतिहास है जिसका प्रेस ब्रीफ में भी पूरा जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से आपका यह दोनों कांड का, पत्रकार वाले कांड का भी अनुसंधान पूर्ण हो गया और वार्ड पार्षद का भी अनुसंधान पूर्ण हो गया, चूंकि एक ही अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हो गई। सर, इन लोगों के पास से स्मैक बरामद हो रहा है, स्मैक क्या ये बेचते थे या खुद? अभी जो हमको लग रहा है, जो इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, तो इन लोग अपने पास स्मैक रख रहा है, खुद भी इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि लोग मौका मिलने पर उसको सेल भी कर रहा है। तो इस पर भी अनुसंधान करना होगा, चूंकि हम लोग विगत दिनों में जो भी इधर अरेस्टिंग हुई है सबके साथ कुछ ना कुछ इस तरह का नशीला पदार्थ बरामद हो रहा है। अन्य साथी भी सर कोई बाकी है? हाँ, इसमें जो महाराजगंज जो पत्रकार हमला वाले में तो आपको मैंने बता दिया कि 3 लोग थे, तीनों अरेस्ट हो गया, अनुसंधान पूर्ण हो गया, उसमें चार्जशीट करना है। लेकिन जो दरौंदा थाना क्षेत्र में लूट की घटना हुई थी उसमें 2 आदमी या 3 लोग अरेस्ट हो गए। अभी इसमें और भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और भी इसमें बरामदगी कर रही है। सर, लगातार ये देखा जा रहा है कि आपने भी कहा कि जो भी अपराधी पकड़े जाते हैं इसमें उनके पास से नशीला पदार्थ मिलता है, बरामद होता है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है सर कि अब लोग जो है कि इस तरह के जो अपराधकर्मी हैं वो दारू के तरफ काम जो करते थे पहले वो छोड़ के अब स्मैक के तरफ जा रहे हैं? नहीं, तो यही तो मैं बोल ही रहा हूँ ना कि जो जिस तरह से बरामदगी हुई है तो जब अनुसंधान कांड का होगा तो इस बिंदु पर भी अनुसंधान करना है कि इनके पास यह नशीला पदार्थ कहाँ से आ रहा है और किस पर्पज से आ रहा है, तो यह तो अनुसंधान का विषय है। मैंने तो बताया स्मैक के कारोबारी दिन पे दिन लगता है कि सीवान जिला में बढ़ते जा रहे हैं। सीवान जिला में बढ़ रहे हैं या कहीं और से लेके आ रहे हैं इसका अनुसंधान करना पड़ेगा। आप यह अभी नहीं कह सकते हम कि सीवान जिला में कोई कारोबारी है बाहर से ला रहे हैं कि खुद यहाँ कोई बेच रहा है, इसका अनुसंधान करना। ये सब बनता तो नहीं है सर? नहीं, बनता नहीं है। सीवान में कहीं बनने की सूचना हमारे जानकारी में नहीं है, इसके संबंध में हम आपको कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते कि यहाँ किस तरह का बना।